दो ऑब्जेक्टिव तो रहेंगे नहीं, पहली बात तो है ना, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा काफी ना। मैं बोल रहा हूँ एमपी थोड़ा सा इस बात में सेफ चलती है, मध्य प्रदेश जो लोक सेवा आयोग इस बात में सेफ चलता है, जहाँ कन्फ्यूजन आपको है तो उसको भी है तो वो मैं सच बता रहा हूँ उनसे अच्छा आप जो पेपर बनाता होगा मुझे लगता है उनसे अच्छे अपन लोग पढ़ते हैं, उनसे अच्छा पढ़ते हैं अपन, क्योंकि हर साल 5-6 क्वेश्चन जो हटाते हैं तो इससे बात से साबित होता है कि आप 100 क्वेश्चन ढंग से नहीं बना पा रहे हैं, बच्चों का भविष्य डिसाइड कर रहे हैं, तो ये कह सकते हैं। अब आते हैं ताम्रपाषाण काल से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, भित्ति चित्र और आपके जो गुहा शैलाश्रय चित्र हैं उसके बारे में चलते हैं। इसको मैं आपको सबको पता है गुहा भाई बाघ की गुफाएं है ना, उनका मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, आप पढ़िएगा और कल उसके क्वेश्चन आएंगे उसमें, तो आप लोग पढ़ के आइए। बाघ की गुफाएं हैं, आदमगढ़ की गुफाएं हैं, सागर में आपकी मिलेंगी कोई सागर अच्छा हो गए सतना तो एक वहाँ भी कुछ गुफाएं हैं, ये गुफाएं आप लोग पढ़ के आइएगा। उसमें कैसे क्या ज़्यादा कुछ नहीं, उसमें कौन सी गुफाएं किससे संबंधित हैं, कितने किस टाइप के भित्ति चित्र हैं, हाँ कुछ रंग जरूर विशेष है कि किस प्रकार के रंग का प्रयोग वहाँ किया गया, कि वाइट को पहले वाइट करते थे अंदर प्लास्टर करते हैं, फिर वो पेंटिंग करते थे जो आज भी हैं, मतलब इस बात से साक्ष्य ये प्राप्त होता है कि ये लोग साइंस की इनको बखूबी नॉलेज थी। मतलब आज हमारे कलर आप हम लोग पेंटिंग कराते हैं हमारे कलर सूख जाते हैं, लेकिन उनके कलर इतने सालों से नहीं सूख रहे हैं, तो मतलब वो इस मामले में तो हमसे बेहतर थे, इसमें दो राय नहीं है। हाँ मतलब पूरा एक पहाड़ तोड़कर गुफा बनाकर और इस तरह से कई मंदिर आप दक्षिण में ज़्यादा देखेंगे वो है। वैदिक युग में आते हैं, वैदिक युग में वैदिक युग का आदि ग्रंथ है ऋग्वेद, ठीक है, कहीं भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिलता है कि हमें कह सके कि मध्य प्रदेश के बारे में कोई जानकारी स्पष्ट मिलती हो वैदिक में ऐसा कुछ भी, क्योंकि वहाँ वैदिक में ऋचाएँ हैं ऋग्वेद में, तो ऐसा कहीं कोई स्थान की बात नहीं की गई है। हिमालय को क्या कहा गया है वहाँ पर, नहीं ऋग्वेद में हिमालय को किस नाम से बताया गया है, कुछ है आइडिया? पढ़ के आइए, इसलिए नहीं पढ़ रहा अभी, पढ़ लिए अगर डिस्क्राइब मतलब एमपी के लिए मतलब अभी प्री के लिए पढ़ रहा हो तो थोड़ा सा लूसेंट देख लो उसको, एक रिवाइज पढ़ी तो होगी आप लोगों ने नोट, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा तो करते चलो, क्योंकि रिवाइज का समय आ गया है ना। वैदिक युग में कुछ भी ऐसा नहीं है, एक वैदिक युग के बाद हालांकि हेरिंग डालने के वैदिक युग में इसमें यहाँ पर कुछ ऐसा स्पष्ट उल्लेख मध्य प्रदेश का नहीं है। थोड़ा सा आगे चलेंगे, अनुश्रुति गम इतिहास लिखिए, अनुश्रुति गम इतिहास वो होता है जो सुनकर इतिहास वो इतिहास जो केवल सुनकर हमने देखा, महाभारत रामायण पुराण की कई कहावतों से हमने स्पष्ट सुना, इंग्लिश में क्या बोलेंगे अनुश्रुति गम को, लिस्नेबल, हाँ सुनकर जो मतलब इतिहास लिखा गया उसके बारे में कुछ लिखिए। उसमें एक्चुअली फैक्ट आता है इसलिए मैं इस आपको बता रहा हूँ, एक्चुअली पूरे भारत आपने मनु तो सुना होगा ना, मनु संहिता भी सुना, ऐसे ही अंतिम मनु थे वैवस्वत, लिखिए इनके 10 पुत्र पुत्री थे, उनमें से एक पुत्र था इनका करुष, लिखिए करुष से ही वंश बना कारुष वंश। तो आगे चल के यही कारुष वंश कारुष देश कहलाया, लिखिए वही कारुष देश कहलाया, वर्तमान जो आपका बघेलखंड का पोर्शन है वही कारुष देश है, तो क्वेश्चन आ सकता है वर्तमान जो बघेलखंड का क्षेत्र है वो कारुष देश कहलाया।
ऐसे ही वैवस्वत की एक पुत्री थी इला, उनका विवाह हुआ सोम से। सोम भाई सोमरस जो आप लोग सुनते हैं, जो इतिहास में पढ़ते हैं, सोम से उनका विवाह हुआ। इसी इला से एक वंश बना, एल वंश या चंद्र वंश, सॉरी हाँ, इला वैवस्वत की पुत्री थी जो लास्ट मनु थे। उनका विवाह सोम से हुआ, जो जिससे एल चंद्रवंश की स्थापना हुई। और एक एल जो चंद्रवंश है, जो वर्तमान बुंदेलखंड आप देख रहे हैं ना, यहां तक इनकी सीमाएं थी, इनके साम्राज्य की सीमाएं फैली हुई थी। विवाह सोम से, सोम सुना हो ना, सोमरस हिस्ट्री में आता है। बुंदेलखंड नहीं, चंद्र एक्चुअली उत्तर भारत का था इनका पूरा, लेकिन उनकी जो सीमाएं थी वो बुंदेलखंड तक थी। सीमाएं वहाँ इनकी साम्राज्य की सीमा वहाँ तक टच करती थी। तो ये मध्य प्रदेश के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। लोहे का उपयोग सिंधु घाटी के समय हुआ या बाद में हुआ? उत्तरवैदिक काल। तो हम ये मानकर चले कि उत्तरवैदिक काल से पहले लोहे का कोई किसी को कोई नॉलेज नहीं था, मतलब था तो बट नॉलेज नहीं थी, उस धातु के बारे में हमें जानकारी नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि थी नहीं, थी तो होगी, बस हमको जानकारी नहीं है। तो ये मान के चलते हैं कि लौह का आविष्कार का उत्तरवैदिक काल से माना गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महाजनपद युद्ध थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। महाजनपद काल, एक्चुअली था कि बुद्ध के काल के पहले, बुद्ध के जन्म से कई वर्षों पहले पूरा भारत 16 जनपदों में, महाजनपदों में बटा हुआ। सोलह महाजनपदों में बटा हुआ था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हम बात करते हैं महाजनपद काल की, कि 16 महाजनपद थे। अब इस बात को कैसे प्रूफ करें कि 16 थे? एंड देन बुद्ध का एक बुद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, वहां से हमें जानकारी मिलती है कि भारत 16 महाजनपदों में विभक्त था। एक ग्रंथ है जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, जहां पर भी जानकारी मिलती है कि भारत में 16 महाजनपद थे, लेकिन उनके नाम थोड़े से अलग हैं, इसलिए उसको हम इतना ऑथेंटिक नहीं मानते। लेकिन है, वहाँ प्रूफ है, वहाँ प्रूफ है कि जैन धर्म का भगवती सूत्र में 16 महाजनपद की बात की गई है, लेकिन वो जो अंगुत्तर निकाय में जो बात की गई है वो वाले उससे शब्द वो उससे भिन्न है, लेकिन जगह वही है, कमोबेश जगह तो वही है। अब 16 जनपद की है तो थोड़ा सा मध्य प्रदेश में हम देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में कितने थे? दो थे। कौन कौन से? चेदी और अवंती। चेदी की राजधानी क्या थी? और बताएं अवंती। चेदी का वो क्या था? ना ना, चेदी का जो इलाका था वो क्या था? शक्तिमती की राजधानी। ठीक है, शक्तिमती की राजधानी है। एक्चुअली चेदी जो पोर्शन था वो मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड जो इलाका है उसका पूरा इलाका नहीं, उसका पूर्वी इलाका, पूर्वी इलाका जो था वो चेदी का, वो बुंदेलखंड का, वो चेदी था। बात कर लेते हैं अवंती। अवंती जो था वो वर्तमान का जो मालवा का क्षेत्र है, हाँ ना, जो वर्तमान मालवा का क्षेत्र है वो अवंती था।
स्कूल में दो डिवाइडेशन, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ की राजधानी क्या थी? नॉर्थ की राजधानी थी उज्जैन, और साउथ की महेश्वर। की वर्तमान क्या गए हैं महेश्वर? जाएगा उसका, अच्छा है, बहुत अच्छी जगह है। सामने गंगा रिवर, सॉरी नर्मदा बहती है, और घाट बहुत अच्छे बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ से केवल यही इतना इम्पोर्टेंट है, बस इनकी राजधानी थोड़ा सा याद कर लीजिए। अच्छा ये बताइए, ये अवंती किस लिए और फेमस है? महाजनपद में इतना ही है, 16 मार्च पर हिस्ट्री में पढ़ लेंगे, बाकी दो अपने जो मध्य प्रदेश में वो पढ़ते हैं। एंड देन आगे चलते हैं, नंद मौर्य युग लिखिए, नंद मौर्य युग। नंद वंश का ऐसा कोई विशेष उल्लेख नहीं है, लेकिन हाँ नंद वंश बहुत शक्तिशाली शासन था उस समय। जो राजा रहे घनानंद, काफ़ी शक्तिशाली शासक थे, जिन्होंने आपके कलिंग यानी कि वर्तमान उड़ीसा जो क्षेत्र है वहाँ तक उनका साम्राज्य फैला हुआ था। कलिंग नरेश, जो कलिंग नरेश क्या नाम था उनका, उनका कौन सा विलेख है? हाथी गुंका, राइट। तो उनका वहाँ तक उनका शासन था, लेकिन जब नंद वंश में इतना कोई मध्य प्रदेश का उल्लेख नहीं है। मौर्य युग में हम देखते हैं चंद्रगुप्त जिसने इनको हराया और नए मौर्य वंश से मौर्य युग की शुरुआत की। चंद्रगुप्त के बारे में हम देखते हैं, ऐसा कोई विशेष चंद्रगुप्त के बारे में मध्य प्रदेश की कोई भी ऐसी जानकारी स्पष्ट नहीं है, लेकिन हाँ इनके जो उत्तराधिकारी कौन रहे हैं? बिंबिसार। एक दो अलग अलग नाम है, याद रखना। हाँ बिंदुसार के समय क्या हुआ, अवंती में विद्रोह हुआ। अवंती में जब विद्रोह हुआ तो इनके इन्होंने अपने बेटे अशोक को वहां पहुंचाया। इस बात में विवाद है कि इनका बेटा था कि नहीं, ये आपको बता दूं। हालांकि बेटा मानते हैं, इनको उत्तराधिकारी मानते हैं, लेकिन इतिहास में हमेशा विवाद का विषय रहता है। कहीं सुने होंगे उनकी 100 शायद 99 रानियाँ इनकी थी, अशोक क्या अशोक की थी या इनके इनके पिता की थी, ऐसा कुछ बोलता। कई कहानियाँ हैं, कहानियाँ हैं, सिर्फ कैसे संभालते होंगे। हाँ तो चंद्रगुप्त का हम देखते हैं, इनके उत्तराधिकारी बिंदुसार रहे, जिनके समय में उज्जैन यानी कि अपना ये अवंती में विद्रोह हुआ, तो उन्होंने अशोक को वहाँ पहुँचाया और वहाँ का राजकुमार भी इनको घोषित किया गया था। अब ये रास्ते में जब यहाँ से गए तो विद्रोह ने समाप्त किया, तो वहाँ पर घूमे तो विदिशा की एक सेठ की पुत्री थी देवी, हाँ देव कहीं कहीं देवी कहीं कहीं महादेवी, अब देव राजा से बात शादी हो रही है तो महा तो हो ही जाएगी वो, तो देवी का विवाह इनसे हुआ। अनुश्रुति के अनुसार, मतलब भाई मैं बता रहा हूँ जिसने सुना, ये कहीं लिखा नहीं है, अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपनी इस वैश्य पुत्री रानी के लिए उज्जैन में एक स्तूप बनवाया जिसका नाम क्या था? वैश्य टेकरी, ये लिख लीजिए। कहाँ बना था? उज्जैन। सांची का स्तूप किसने बनवाया? और आपके सत्ता में जो है भरूत, और किसी काल से जुड़ा हुआ है? ठीक है, अब बात करते हैं अशोक के, मध्य प्रदेश में अशोक के शिलालेख। वैश्य टेकरी, वैश्य टेकरी, हनुमान टेकरी कहाँ पर है? गोपाल कौन बोला? थोड़ा से कभी कभार ना क्वेश्चन पूछ लेता है एमपी फालतू के टाइप के क्वेश्चन, तो थोड़ा सा नॉलेज रहे कि ये चीज़ें यहाँ पर हैं।
पूछ लेता है कहाँ पर है कहाँ पर। अशोक के शिलालेख के कई शिलालेख हैं, हम केवल मध्य प्रदेश के शिलालेख की बात करेंगे। अशोक का एक शिलालेख मिला है जबलपुर में, जबलपुर के रूपनाथ में। दूसरा मिला है दतिया के गुर्जरा में। ये दोनों लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली गुर्जरा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसमें प्रियदर्शी अशोक का नाम अशोक मिला है। प्रियदर्शी नाम अशोक, दतिया। दतिया जिला नहीं है, दतिया जिला है, उसकी एक जगह है गुर्जरा। देखेंगे, मैं गया हूँ जब उनाव, आप जाएंगे दतिया से उनाव जाने का रास्ता है तो बीच में एक गांव पड़ता है, वहाँ पर आपको दिख जाएगा, बहुत ही खंडर टाइप में पड़ा हुआ है। प्रियदर्शी नाम अशोक। ये सभी अभिलेख दोनों ब्राह्मी लिपि में है, दतिया और जबलपुर का रूपनाथ। उपयुक्त प्रमाणों से स्पष्ट हो जाता है कि मध्य प्रदेश में केवल उन्होंने शासन, बाकी काफी अच्छे से उन्होंने शासित किया अशोक ने या उनके मौर्य साम्राज्य ने, मतलब एक महत्वपूर्ण भाग था उनका मध्य प्रदेश। तो ये छूट अछूता ही है मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में शासन था कि नहीं, बहुत काफी अच्छे से उनका साम्राज्य यहां पर फैला हुआ था। देन आगे बढ़ते हैं हम थोड़े। एक्चुअली हुआ क्या, जब मौर्य अपने अंतिम समय पे था तो कई जगह विद्रोह हुए, तो कई छोटे छोटे जनपद बन गए, कई छोटे छोटे जनपद बने। तो एक और लिख लीजिए, जनपद काल। एक क्रमिक था, मतलब कि गुप्त काल और इसके बीच में कई फिर बहुत सी चीज़ें हैं, कई राजा अपने आप को स्वतंत्र मानने लगे। तो ऐसे चल के एक काल, छोटा सा जो काल है उसमें जनपद काल लिखिए। मौर्य काल के अंतिम चरण में अनेक जनपद हुए जिनमें से 7 मुख्यतः महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश में थे या मध्य प्रदेश में हुए। नाम लिखिए, त्रिपुरी, एरण, हाँ एक मिनट नहीं, आप 2 मिनट लीजिए। हाँ स्टार्ट करूँ, त्रिपुरी, एरण, महिष्मति, भागिल, महिष्मति, फिर भागिल, विदिशा, उज्जैनी, पद्मावती। विदिशा, उज्जैनी, पद्मावती। एक्चुअली था क्या, ये 7 कैसे हम जानकारी निकालते हैं, प्रूफ क्या है कि ये 7 मिले? तो इन 7 जगह पर, 7 अलग अलग जगह पर अलग अलग सिक्के प्राप्त हुए। यहाँ के सिक्कों से इनके बारे में जानकारी कही गई कि ऐसे इस तरह के शहर, इस तरह के मध्य प्रदेश में जनपद थे। कहीं कहीं आप देखेंगे, जैसे त्रिपुरी है, त्रिपुरी में एक सिक्का प्राप्त हुआ जिसपे उस पर नाम लिखा था त्रिपुरी। त्रिपुरी ता तापे की मात्रा, ऐसे पढ़ाऊ बस, ये 7 ही जनपद छोटे छोटे जो थे। फिर आइए सुंग कंड काल, कण्व काल। मैं तो कभी कभार भरोसा भी नहीं होता, ऐसे लोग आए होंगे। एक्चुअली इतिहास तो हम पढ़ते हैं, मतलब मुझे आज तक ऐसे सुंग हुए और कई ऐसे जो हैं अपने आए। कहा गया कि पुष्यमित्र ने बृहदत्त की हत्या कर सुंग वंश की स्थापना की थी। बृहदत्त, हाँ वही अंतिम और, हाँ हर्षचरित के अनुसार, हम एक बार वीडियो कर देते हैं। हर्षचरित के अनुसार पुष्यमित्र ने, पुराण पुष्यमित्र सुंग, पुष्यमित्र ने बृहदत्त की हत्या कर इस राज्य, सुंग राज्य की स्थापना की, सुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र का बेटा हुआ है अग्निमित्र, तुम ही थे क्या? तुम इतने हाँ इतने तरीके से बोल रहे हो, इसलिए इम्पोर्टेंट है अग्निमित्र, क्योंकि ये विदिशा का शासक था। ये विदिशा का, अपने पिता के समय विदिशा का शासक था। तो ये इम्पोर्टेंट है कि विदिशा का शासक सुंग काल में कौन था, तो अग्निमित्र।
ये थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। ये अग्निमित्र वही अग्निमित्र है जिसमें कालिदास ने मालविका के मित्र में अपना नायक चुना है। हाँ अग्नि वही महिला का नाम क्या था? मालविका। हाँ मैं लड़कियों का नाम भूल जाता हूँ। मालविका के मित्र इनका कालिदास का जो ग्रंथ था उसमें इनकी